आइए बच्चों बात करते हैं अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसको फर्म के द्वारा इसलिए बनाया जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट में अगर कोई फॉल आता है, उसकी मार्केट वैल्यू में कोई गिरावट आती है, ठीक है, यानी उसकी जो आज की वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है वो उसकी कॉस्ट प्राइस से अगर कम होती है, तो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के थ्रू उसके होने वाले लॉस को या उसके होने वाले फॉल को कवर किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो इसका पर्पस ही होता है इन्वेस्टमेंट में आने वाली गिरावट को कवर करना, उस पर्पस से ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। क्लियर बच्चों, यहां पर याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने के पीछे जो रीजन होता है वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले फॉल को कवर करना होता है, यानी उसकी मार्केट वैल्यू अगर उसकी बुक वैल्यू या कॉस्ट प्राइस से कम हो जाती है तो जितनी कम हुई है वो इससे कवर की जाती है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर मार्केट वैल्यू सी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये केवल इन्वेस्टमेंट के फॉल को कवर करने के लिए बनाया जाता है, ना कि उसके राइज को, ठीक है, ना कि उसके इंक्रीज को, यानी क्लियर, उसके डिक्रीज को या फॉल को ही कवर किया जाता है। क्लियर, तो अब बात करते हैं कुछ केसेस की बात करते हैं जिसके थ्रू हम आपको ये सिखाएंगे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो माना हमारे दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनका पुराना रेशियो है 3:2, नया रेशियो है सपोज इक्वल, ठीक है, और उनकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, मैं इसका शॉर्ट नेम लिख रहा हूं बच्चों, आप लोग पूरा लिखेगा, ₹15,000 दिया हुआ है, और एसेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है जिनकी बुक वैल्यू या उनकी कॉस्ट कह लीजिए वो है ₹1,00,000। क्लियर बच्चों, आइए कुछ केसेस के थ्रू इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। केस वन में कहा गया नो फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। केस टू में कहा गया कि मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो ₹1,00,000 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू जितनी ही है। केस थ्री में कहा कि मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो रुपीज सपोज 90,000 है, यानी उसमें फॉल आया है ₹10,000 का, बुक वैल्यू 1,00,000 है, मार्केट वैल्यू 90,000 है। केस फोर में कहा कि मार्केट वैल्यू रुपीज 85,000 है। केस फाइव में कहा कि मार्केट वैल्यू सपोज रुपीज 75,000 है, और केस सिक्स में कहा कि मार्केट वैल्यू रुपीज 1,20,000 है। तो इस तरह से सपोज आपको ये सिक्स केसेस मैंने दे दिए हैं। अब इन ऑल द सिक्स केसेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो बच्चों केस वन में और केस टू में सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फर्दर, मतलब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, वो बुक वैल्यू के बराबर ही है। और केस टू में तो कही रखा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू जो है वो उसके बराबर ही है, बुक वैल्यू के बराबर, मार्केट वैल्यू। तो दोनों केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को मैं IFR ही लिख रहा हूं बच्चों, लेकिन आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, ए और बी में बांट दीजिए पूरा पूरा। अब 15,000 को उनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे जो कि 3:2 है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा, ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। बात करें केस थ्री की, याद रखिए बच्चों केस वन एंड टू दोनों के लिए है ये। केस थ्री में इन्होंने कहा था इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो ₹90,000 है, और बुक में जो वैल्यू शो कर रखी है वो है ₹1,00,000, यानी इन्वेस्टमेंट में ₹10,000 का फॉल आ रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से आसानी से कवर हो जाएगा बिकॉज ये 15,000 है। अब एंट्री कुछ ऐसे बनाई जाएगी फॉर केस थ्री, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, ठीक है बच्चों। यहां पर आप पूरा 15,000 लिखिएगा, यहां पर 10,000, जितना उसमें फॉल आया है, याद रखना 90,000 मत लिख दीजिएगा,
जितना इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है सिर्फ उसको लिखिएगा, और बचे हुए 5,000 को इन द ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। क्लियर हो गया बच्चों केस 3 भी। आइए अब बात कर लेते हैं केस 4 की। तो केस 4 में आप नोटिस करिए कि इन्वेस्टमेंट में जो फॉल आया है वो पूरा 15,000 का है, क्योंकि आपको बुक वैल्यू दे रखी है 1,00,000 और मार्केट वैल्यू दे रखी है 85,000। फॉल आया 15,000 का, हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है 15,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पूरा पूरा अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो दिस इज द एंट्री फॉर केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 तो आसान सा है बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पूरा पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टमेंट को के फॉल को कवर करने के लिए। क्लियर बच्चों? आते हैं बच्चों केस नंबर 5 पे। आप केस नंबर 5 में बच्चों कहा था इन लोगों ने कि जो उसकी मार्केट वैल्यू ₹75,000 है और बुक वैल्यू थी 1,00,000, तो इसमें फॉल आ रहा है ₹25,000 का, मगर हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो है केवल ₹15,000। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी डेबिट करिए, और जो नुकसान हो रहा है हमें अब उसके लिए फिर से रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करिए, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में किया था, और लिखिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को जो क्रेडिट किया जाता है वो उसके फॉल से किया जाता है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू से, इस बात को ध्यान रखिएगा। 15,000 यहां लिखिएगा, 10,000 यहां लिखिएगा, जितना नुकसान हुआ है हमें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर इन्वेस्टमेंट के फॉल को कवर नहीं कर पाता है तो जितना वो नहीं कवर कर पाया उसके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। और ये रिवोल्यूशन का सपोज कोई और पॉइंट नहीं है तो रिवोल्यूशन का लॉस हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होता है। इस 10,000 को जब इनके ओल्ड रेशियो बांटेंगे तो ए डेबिट हो जाएगा 6,000 से, बी डेबिट हो जाएगा 4,000 से। इस तरह से ये दो एंट्रीज बनाई जाएंगी। अगर आपका रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन हो गया है तो उसको क्लोज भी करिएगा ऐसे क्वेश्चंस में, ये मानते हुए कि कोई और पॉइंट है ही नहीं रिलेटेड टू रिवोल्यूशन। क्लियर बच्चों? आइए अपने लास्ट केस के और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात कर लेते हैं, केस नंबर 6। तो बच्चों केस नंबर 6 में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल नहीं आ रहा बल्कि इंक्रीज हो रहा है। उसकी मार्केट वैल्यू ₹1,20,000 है और बुक वैल्यू केवल 1,00,000 थी, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उल्टा बढ़ रही है ₹20,000। तो मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो केवल इन्वेस्टमेंट के फॉल को कवर करने के लिए होता है, उसमें होने वाले राइज को कवर नहीं करता है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा पूरा अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा, ए और बी दोनों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। वो था 15,000, तो 9,000 और 6,000 दोनों बांट देंगे। और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है इसको भी कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना ही है बच्चों। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ने से जो हमें एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है उसके लिए इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को आप डेबिट करिए, बढ़ाइए उसको, और रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। ये जो रिवोल्यूशन अकाउंट होता है ये फायदे से क्रेडिट भी हो जाता है, जैसे नुकसान से डेबिट हो रहा है तो फायदे से वो क्रेडिट हो जाता है। और मैंने अभी आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट का कोई भी फायदा या नुकसान, सॉरी, जो रिवोल्यूशन अकाउंट होता है इसको क्लोज करना जरूरी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये अकाउंट ओपन हो गया है तो इसे क्लोज भी करिए। अब यहाँ पे रिवोल्यूशन गेन हो रहा है, ठीक है, पिछले केस में लॉस हुआ था बट यहाँ गेन हो रहा है, तो रिवोल्यूशन गेन भी अल्टीमेटली पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी ए और बी में ही। और जब आप 20,000 को ए और बी में बांटेंगे उनके ओल्ड रेशियो में तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ए और बी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे विद ₹12,000 एंड ₹8,000। इस तरह से बच्चों मैंने ये ऑल द 6 केसेस आप लोगों को समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये 6 के 6 केसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट या बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म में नहीं शो किया जाएगा,
और इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो शो की जाएगी इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म ऑन द एसेट साइड। क्लियर बच्चों?